हाय फ्रेंड्स, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में हाइपरटेंशन चैप्टर देखा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसीमिक हार्ट डिजीज चैप्टर स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसीमिक हार्ट डिजीज मतलब आईएचडी, इसीमिया मींस रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन। ठीक है, इसीमिया मींस क्या होता है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन। फ्रेंड्स, इसीमिक हार्ट डिजीज में होता क्या है? इसीमिक हार्ट डिजीज में जनरली क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जरा गड़बड़ी हो जाती है। मतलब मायोकार्डियम मसल को जो जितनी डिमांड चाहिए ना ऑक्सीजन की, उतनी फुलफिल नहीं हो पाती। मतलब कोरोनरी आर्टरीज में जो कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, इसलिए मायोकार्डियम जो डिमांड हो जाती है ऑक्सीजन, मायोकार्डियम डिमांड जितनी होती है ना उतनी फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए इसको बोलते हैं इसीमिक हार्ट डिजीज। हम लोग जरा डायग्रामेटिक देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, ये समझो हमारा हार्ट है। ठीक है, ये समझो हमारा हार्ट है। ठीक है, ये एओर्टा। ठीक है, और ये कोरोनरी आर्टरीज की ओपनिंग है ये। ठीक है, समझे? ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरीज है हमारी। कोरोनरी आर्टरीज की ओपनिंग एओर्टा के जस्ट नीचे से है ना। ठीक है, ये हार्ट है, ये एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा, ये है हार्ट एंड ये कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरीज की, ठीक है, ये हार्ट है, एओर्टा और ये कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है फ्रेंड्स, इसीमिक हार्ट डिजीज में ये समझो कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है, हम जरा सा उसको बड़ा करके देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी में समझे इधर ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कितनी कोरोनरी आर्टरीज की जो ऑक्सीजन डिमांड है ना, कोरोनरी आर्टरीज में जो ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है फिर सप्लाई उसका कम होता है। इसलिए ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई में जल से गड़बड़ी होती है, डिमांड बढ़ जाती है सबको और सप्लाई कम होता है, तो ये क्या होता है फिर ये डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट में चेस्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इसीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, ये इसीमिक हार्ट डिजीज कितने मतलब ये सीवियरिटी कब होती है, ये मतलब कितने ये ऑब्स्ट्रक्शन कितने समय के लिए है, कितना है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कितना परसेंटेज में है, कितना बिग है या छोटा है, इसकी वजह से ये जरा सा इसीमिक हार्ट डिजीज के फिर टाइप्स गिर जाते हैं। ठीक है, टाइप्स हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, लेकिन ये समझो पैथोलॉजी जरा सा ध्यान में समझ लेते ऑक्सीजन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो जितनी डिमांड होनी चाहिए ऑक्सीजन की, अगर हमारे ब्लड सप्लाई जितना होना चाहिए उतना डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता मायोकार्डियम वॉल की, इसलिए सप्लाई कम होता है उस पार्ट पे, इसलिए क्या होता है चेस्ट में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अभी डेफिनेशन देख लेते हैं इसीमिक हार्ट डिजीज की। क्या डेफिनेशन प्लीज? इसीमिक हार्ट डिजीज ऑकर्स व्हेनेवर देयर इज एन इंबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, एंड इट्स सप्लाई। ठीक है, इंबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड की एंड सप्लाई में इंबैलेंस होता है, इसलिए चेस्ट में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरीज, में क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन रहता है एंड सप्लाई टू द हार्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस चेस्ट पेन। इसका रिफ्लेक्स क्या होता है फिर वो चेस्ट पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सप्लाई नहीं हो पाता उसकी वजह से वो क्या होता है चेस्ट पेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया इसीमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसीमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन क्या है। इसीमिक हार्ट डिजीज ऑकर्स व्हेन देयर इज एन इंबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड इट्स सप्लाई, इंबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरीज द सप्लाई टू द हार्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, इट प्रोड्यूसेस चेस्ट पेन, क्या होता है फिर चेस्ट पेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हो गया इसीमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं उसके कॉजेस देखते हैं। सबसे कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग। जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग है ना, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग कोरोनरी आर्टरीज में समझे प्लग जमा होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ज्यादातर इसीमिक हार्ट डिजीज होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर क्या है फिर कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इसीमिक हार्ट डिजीज एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब क्या होता है कोरोनरी आर्टरीज में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ये एथेरोमेटस प्लग का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, ये सबसे कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी, मतलब कॉमन कॉज है इसीमिक हार्ट डिजीज का। ठीक है, अभी हम लोग जरा सा रेयर कॉजेज भी देख लेते हैं। ठीक है, रेयर कॉजेज में क्या है, अदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाजम होता है, कई बार कोरोनरी आर्टरी में भी स्पाजम होता है, इसको हम लोग वेरिएंट एंजाइमा भी बोलते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे वेरिएंट एंजाइमा क्या है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज का स्पाजम भी होता है, कोरोनरी आर्टराइटिस होता है, कई बार कोरोनरी आर्टरीज का इन्फ्लेमेशन भी होता है, इसलिए चेस्ट पेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इम्बोलिज्म होता है, इम्बोलस सटक जाता है और इम्बोलस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, तो ये इम्बोलिज्म की वजह से भी इसी में होता है। एट्रो कोरोनरी का
एट्रोवेनस मालफॉर्मेशन, मतलब कई बार क्या होता है एट्रोवेनस का फिस्टुला भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए भी इसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब रेयर कॉजेस है, लेकिन कैसे फैटल कॉजेस भी हो सकते हैं कई बार। ठीक है, इसको हमें भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए जरा सा रेयर कॉजेस भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी वल्वुलर डिसीज में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वल्वुलर डिसीज मतलब हार्ट वॉल डिफेक्ट की वजह से भी क्या होता है हार्ट कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कम होता है, जैसे कि कोरोनरी एरोटिक स्टेनोसिस है, एरोटिक रिजर्वेशन है, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स है, इसमें माइट्रल वॉल प्रोलैप्स में माइल्ड पेन रहता है, लेकिन कैसे उसी की वजह से माइट्रल एरोटिक स्टेनोसिस एरोटिक रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कोरोनरी आर्टरीज को जितना ब्लड सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए उतना ऐसा ब्लड सप्लाई में हैम्पर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वॉल अच्छी तरह से एरोटिक स्टेनोसिस वॉल अच्छी तरह से ओपन नहीं होती, रिजर्वेशन में क्लोज नहीं होती, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स के जो प्रॉब्लम है उसमें भी कैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज कई बार देखा जाता है फ्रेंड्स बेसिकली इसी में। ठीक है, बाद में इंक्रीज डिमांड सब जो मायोकार्डियल डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे मायोकार्डियल डिमांड थायराइड ऑक्सीडेशन में बढ़ जाती है। ठीक है, थायराइड ऑक्सीडेशन में कैसे हार्ट के जो हमारा बीएमआर बढ़ता है, इसलिए हार्ट रेट भी बढ़ता है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, इसलिए थायराइड ऑक्सीडेशन जैसे केसेस में फिर मायोकार्डियल डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की और उतना सप्लाई नहीं होता, इसलिए थायराइड ऑक्सीडेशन जैसे केसेस में भी फ्रेंड्स इस्केमिक हार्ट डिजीज कई बार देखा जाता है फ्रेंड्स, चेस्ट में होता है, एनीमिया में फ्रेंड्स एनीमिया में भी ये इस्केमिक हार्ट डिजीज देखा जाता है फ्रेंड्स। पहले पेशेंट कभी भी चेस्ट पेन का लिखे है ना नॉर्मल चेस्ट पेन हो रहा है तो पहले सबसे पहले एनीमिया एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स समझो हीमोग्लोबिन कम रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होता है बॉडी में तो क्या होता है ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम होती है ना उस पार्ट को, ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी उस पार्ट को कम होता है, इसलिए मायोकार्डियल ऑक्सीजन मायोकार्डियम को भी जो ब्लड सप्लाई उसका होता तो है लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए वहाँ पर क्या है चेस्ट पेन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए एनीमिया में भी कई बार इसमें हार्ट डिजीज इसके चलो मतलब इसमें हार्ट डिजीज दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया कॉजेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये कॉजेस हमने अभी देख लिए, अभी हम लोग उसके कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या है सबसे पहले अंजाइना आता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इसमिक हार्ट डिजीज को जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सबसे पेशेंट क्या प्रोड्यूस करता है अंजाइना प्रोड्यूस करता है। अंजाइना मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन करता है। ठीक है, चेस्ट पेन किस तरह का होता है इसलिए वो चेस्ट पेन किस तरह का होता है इसलिए हम लोग इसमिक हार्ट डिजीज के तीन टाइप हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंजाइना क्या होता है। इट्स अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आईएसडी रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्केमिया। इट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या प्रेजेंट करता है पेशेंट, कंप्लेन कैसे प्रेजेंट करता है, इट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कैरेक्टराइज बाय चेस्ट पेन। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय कैसे कैरेक्टराइज बाय चेस्ट पेन से विच इज एग्रीवेटेड बाय द फिजिकल एग्जर्शन। क्या होता है फिर फिजिकल एग्जर्शन वगैरह करें तो ये चेस्ट पेन एग्रीवेट होता है मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, एंड सबसाइड बाय रेस्ट किया तो कम होता है क्योंकि कई बार एक्सरसाइज में क्या होता है हमारे हार्ट की हार्ट मसल की भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई ऑक्सीजन की वजह से कम होता है इसीलिए क्या होता है फिर चेस्ट पेन एग्रीवेट होता है, और जब ऐसा पेशेंट रेस्ट किया तो फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल पोजिशन पर आता है और चेस्ट पेन कम हो जाता है। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइना, योगा एंजाइना, एंजाइना के कितने तीन टाइप्स है। ठीक है, एंजाइना के कितने तीन टाइप्स है, सबसे पहले क्या है स्टेबल एंजाइना। फ्रेंड्स स्टेबल एंजाइना में कैसा रहता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सा कम है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट क्या होता है रेस्ट करता है, सब तो रेस्टिंग कंडीशन में रहता है ना, पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं लगती, रेस्टिंग कंडीशन में है इसलिए पेशेंट की डिमांड कैसे ऑक्सीजन की कम है एंड सप्लाई भी अच्छी तरह से प्रॉपरली होता है इसलिए पेशेंट को चेस्ट पेन ऑन रेस्टिंग कंडीशन नहीं रहता, लेकिन चेस्ट पेन कब होता है पर लेकिन पेशेंट जब ऑक्सीजन करता है तभी चेस्ट पेन रहता है ना। ठीक है, पेशेंट जब स्टेबल रहता है तो पेशेंट का चेस्ट पेन नहीं होता इसलिए उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, इसलिए चेस्ट पेन का होता है जब पेशेंट एक्सर्शन करता है तो कैसे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है इसी की वजह से कभी एक्सर्शन हो जाता है। ठीक है, एक्सर्शन में चेस्ट पेन होता है इसी को बोलते हैं चेस्ट पेन स्टेबल एंजाइना, और ये क्या होता है फिर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन इज मिनिमम, ऑक्सीजन मिनिमम रहता है ना। ठीक है, ये हो गया स्टेबल एंजाइना। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। फ्रेंड्स अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन बिग रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है बड़ा रहता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा रहने की वजह से क्या होता है पेशेंट इवन एट रेस्ट, ऑक्सीजन बढ़ा रहता है ना फिर ऑक्सीजन के कैसा है ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा रहता है इसलिए क्या होता है जो डिमांड रहती है ना डिमांड कम होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डिमांड होनी चाहिए प्रॉपर डिमांड ऑक्सीजन डिलीवरी की कम होती है एंड सप्लाई भी कैसे सप्लाई भी कम होता है। फ्रेंड्स अनस्टेबल एंजाइना में देखेंगे अभी, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा रहता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन अनस्टेबल एंजाइना में कैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया
ठीक है, इसलिए पेशेंट इवन एट रेस्ट भी चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, पेशेंट इवन एट रेस्ट भी चेस्ट पेन होता है, क्योंकि जो पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में भी जो ऑक्सीजन डिमांड है ना वो डिमांड और बढ़ जाते हैं, और सप्लाई उसका सप्लाई भी कम हो जाता है, ठीक है, डिमांड तो वही रहती है सप्लाई कम हो जाता है, इसलिए पेशेंट ऑन सिटिंग पोजिशन में भी पेशेंट का कैसे चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, इट इज बाद में कैसे ये अच्छी तरह से समझो इसको ट्रीट नहीं किया तो ये एग्रीवेट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो जाता है, ठीक है, ये एग्रीवेट बाद में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है, इसलिए उसको अनस्टेबल इंजन को सबसे पहले अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या फिर चेस्ट पेन इवन एट रेस्ट, इवन एट रेस्टिंग कंडीशन में भी पेशेंट का कैसे चेस्ट पेन रहता है और एक ऑब्स्ट्रक्शन इज सो भी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा रहता है, इट जनरली एग्रीवेट्स इनटू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बाद में एग्रीवेट कैसे होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, इट इज नोन एज प्री इन्फेक्शन एंजाइना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री इन्फेक्शन एंजाइना, इसको क्या बोलते हैं प्री इन्फेक्शन एंजाइना, मतलब जो इन्फेक्शन की स्टेट, मतलब जो डेड टिश्यू होते हैं ना उसकी पहली स्टेज है, ठीक है, इसलिए अनस्टेबल एंजाइना को जल्द से जल्द ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये हो गया अनस्टेबल एंजाइना। बाद में तीसरा पार्ट कौन सा है, वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट का कोरोनरी आर्टरीज में कैसे सडन वैजोस्पाज्म क्रिएट होता है, कोरोनरी आर्टरीज में सडन वैजोस्पाज्म क्रिएट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, और ये कैसे थोड़ी देर बाद अपने आप रिलीव भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने आप रिलीव हो जाता है, सडन वैजोस्पाज्म और कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, यह है एंजाइना के टाइप्स, ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एंजाइना के प्रेजेंटेशन ऐसे इस तरह का रहता है।